बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और इजी कबाबों की रेसिपी, जो कि दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। सबसे पहले हम पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत। इसके अलावा मैंने कबाब चीनी ली है 4 से 5 अदद, 4 अदद लौंग ली है, और इसके अलावा मैंने लिए है जायफल और जावित्री, जो कि है 1/8 टीस्पून। अगर हम इसे पाउडर बनाएंगे तो 1/8 टीस्पून बनेगा ये। और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ भुने हुए चने, जो कि हैं 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लिए हैं, और ये एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेंगे। ये शामिल कर देंगे इसमें, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 चाय का चम्मच साबुत काले मिर्च। और इन तमाम मसालों को अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हमने तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, और इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो चूल्हे को हम बंद कर देंगे। तो तमाम चीज़ें हमारी ड्राई रोस्ट हो गई हैं, अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और मिक्सर जार में भर लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्सिंग जार में डाल दिया है जब ये ठंडी हो गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे तली हुई प्याज 2 खाने के चम्मच, और अब हम इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। अब कबाबों को बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है, जो कि है मटन का। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो मटन का कीमा लिया है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे अहम टिप ये है कि जब भी आप कबाब बनाएं, कीमे को एक रात पहले छन्नी में रख दें और अच्छी तरीके से पानी को ड्रेन कर लें। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कीमे के साथ मैंने थोड़ा सा फैट भी डलवा लिया था। अब इस कीमे में हम तमाम ड्राई स्पाइसेस को डाल देंगे, जिसका मैंने पाउडर बना लिया था, और इसके अलावा हम इसमें कुछ और भी स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने कसरी का पाउडर लिया है, जो कि है 1/2 चाय का चम्मच। ये आपको इजीली मिल जाता है बाज़ार में, ये मीट टेंडराइजर का काम करेगा। 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 चाय का चम्मच, और नमक लिया है हसबे ज़रूरत। तो ये तमाम स्पाइसेस डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैं लहसुन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है 1 चाय का चम्मच। आपके पास पाउडर ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये डाल दिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि है 1 चाय का चम्मच। इसको मैंने दरदरा मोटा सा कूट लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका कीमा रूखा है तो आप थोड़ा सा बटर डाल लीजिए या फिर घी डाल लीजिए। तो घी और बटर डालने से एक बहुत ही अच्छे से कबाब बनेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसको राइट अवे बना रही हूँ। अब मैंने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लिया है, तो आप तेल लगा लीजिए या फिर हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा लीजिए। तो इसमें आपने जैसा इसको शेप देना हो आप दे सकते हैं। मैं इसको शेप दे रही हूँ मिनी गोला कबाब का, लेकिन ये गोला कबाब की रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है। तो देखें, कीमे की इतनी बड़ी बोल ली है मैंने, और इसको मैं इस तरह से गोल और थोड़ा सा ओवल शेप में करते हुए मैंने ये शेप दे दिया है इसको, गोला कबाब वाला। अब हम एक स्ट्रॉ ले लेंगे। तो स्ट्रॉ में आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए या फिर घी लगा लीजिए, जिससे इसमें आसानी से थोड़ा सा होल हो सके। तो स्ट्रॉ को मैंने इस तरह से अंदर डालने के बाद इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस कर लिया है, और ये देखें, अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गोल गोल राउंड करेंगे। इससे एक परफेक्ट शेप आ जाएगा। देखें, प्यारा सा शेप में ये हमारा कबाब बन के तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के तमाम कबाबों को भी बना के तैयार कर लेंगे। इसमें आपके 12 से 14 कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये देखें, हो गए हैं रेडी तमाम कबाब हमारे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको फ्रिज में रखना थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको सेट करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमारा प्रीहीटेड है पैन हाई फ्लेम पे, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें ऑयल। तो ऑयल मैंने तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच डाला है, और इसको ब्रश की मदद से हम इस तरह से फैला देंगे। तो ये पैन हमारा प्रीहीटेड था ऑलरेडी। अब मैंने फ्लेम को मीडियम हाई कर दिया है। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इन कबाबों को स्टेयर फ्राई करेंगे, और शुरू के 5 मिनट हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करना है, फिर हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो ये तमाम कबाबों को मैंने डाल दिया है पैन में,
और इन कबाबों में आपने अभी बिल्कुल भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। जब जब थोड़े से इसमें मार्क्स आते जाएंगे हम पैन को हिलाते जाएंगे और इसी तरह से हमने अलट पलट करते हुए इसको करना है फ्राई। तो ये देखिए हल्के हल्के से इसमें गोल्डन से मार्क्स आ रहे हैं। तो इस स्टेज पे हम चूल्हे की आंच को मीडियम हाई से मीडियम कर देंगे और इसको हमने कुक करना है जब तक कि इसमें स्लाइटली गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। अब तकरीबन एक मिनट गुजर चुका है तो कबाबों में मैंने डाला है ऑयल। तो 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिए हैं और इसको हम इसी तरह से अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो कबाबों को मैंने इस तरह से अलट पलट करते हुए कर लिया है फ्राई और इस स्टेज पे अब हम इसको ढके पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और कबाबों को कवर करने के बाद भी बीच बीच में से हम इस तरह से हिलाते जाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, कबाबों को बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई होते हुए चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और कबाबों को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये तमाम कबाबों को मैंने फ्राइंग पैन से ट्रांसफ़र कर दिया है प्लेट में और अब इस पैन में जो तेल है इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में मैंने लिया है प्याज, टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो इन सब्जियों में सबसे पहले तो हम प्याज को डालेंगे। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने रफली काट लिया था और हाई फ्लेम पर इन तमाम सब्जियों को हमने सॉटे करना है। सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इन सब्जियों में मैं थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 चम्मच और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक और काली मिर्च डालने के बाद सब्जियों को हम इस तरीके से थोड़ा सा टॉस करेंगे हाई फ्लेम पे और ये देखें सब्जियाँ हमारी बिल्कुल सॉटे हो गई हैं। इस स्टेज पे अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर फ्राई किए हुए कबाबों को। अब कबाबों को हम सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे और आप चाहें तो इसमें कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। तो बस इसको सर्व करने से पहले आप थोड़ा सा इसमें डाल लीजिएगा नींबू का रस और इसको आप सर्व कीजिए ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ और चपाती के साथ। तो बहुत ही लजीज ये बन जाते हैं, बनाइए इसको दावतों में और इन्जॉय कीजिए। तो आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।